चैप्टर है सॉलिड स्टेट और इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम जानेंगे। आइए आज हम सीखते हैं यूनिट सेल, रैंक ऑफ द यूनिट सेल एटसेट्रा, इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको किस तरह से सॉल्व करना होगा। जैसा कि सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन में आप शुरू से जानते आए हैं कि यूनिट सेल का मतलब है द पार्ट ऑफ द लैटिस विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यानी किसी भी एक बड़े स्ट्रक्चर का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो बार बार रिपीट होता है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं, और यूनिट सेल के मिल जाने से जो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है उसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। जैसे एक दीवार है, दीवार एक स्पेस लैटिस है, और वो दीवार छोटे छोटे ईंट से मिलकर बनी है, तो उन ईंट को, उन ब्रिक्स को हम यूनिट सेल का नाम देंगे। आइए यूनिट सेल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जान लें। हम यूनिट सेल को क्यूबिकल शेप में हम मान रहे हैं क्योंकि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको क्यूबिकल यूनिट सेल ही आपके सिलेबस में है। अब ये मान लीजिए कि इस तरह से आपकी एक यूनिट सेल है जो एक क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इस यूनिट सेल के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये हैं इसके कॉर्नर्स, ये कुछ कॉर्नर्स होंगे, फेसेस होंगे। फेसेस कौन से? ये इधर से, ये यहां पर इसके फेसेस हैं। फिर होंगे एज सेंटर, एज सेंटर से हमारा मतलब है दो कॉर्नर को जोड़ने वाला, ये एक एज सेंटर है, इधर है, इधर है, एटसेट्रा, एज सेंटर। बॉडी सेंटर, इसके बीच के बीच का हिस्सा, उसे बॉडी सेंटर कहा जाएगा। बॉडी डायगनल, बॉडी डायगनल अगर मैं कहूंगा तो इसका मतलब यहां का अपर एंड और इधर का लोअर एंड, अपर एंड लोअर एंड इनको कनेक्ट करने वाला डायगनल होगा बॉडी डायगनल। ये कंपोनेंट होते हैं यूनिट सेल, यानी अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो ये हैं हमारे पास कॉर्नर। काउंट कीजिए कितने हैं हमारे पास कॉर्नर, टोटल है हमारे पास 8 कॉर्नर। तो साइट है कॉर्नर और ये है हमारे पास 8 फेसेस। हमारे पास इस तरफ से ये 1, ये 2 और पीछे वाला 3, 4, 5, 6। देखिए सबसे ज्यादा बेटर बात हो, सबसे बेस्ट ये है कि आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं आप उसी रूम को एक यूनिट सेल मान लीजिए, और वहीं पर कितने कॉर्नर हैं, कितने फेसेस। फेसेस क्या होंगे? दीवारें होंगी, फर्श होगा, छत होगा, इन्हें काउंट कर दीजिए। एजेस क्या होंगे? तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत जिस एग्जामिनेशन सेंटर में भी बैठे हैं वहीं पर आप यूनिट सेल के कंपोनेंट को पहचान लेंगे। तो फेस सेंटर हो गए 6, एजेस कितने हैं? अब अपने रूम में बैठे बैठे अंदाजा लगाइए कि आपके पास एजेस कितने होंगे। 4 हैं अपर साइड में, 4 हैं लोअर साइड में, और 4 हैं साइड्स में, टोटल कितने हुए? 12। बॉडी सेंटर, इसके बीचों बीच कहीं एक हिस्सा जो हमेशा 1 होगा, और बॉडी डायगनल मैंने आपसे क्या कहा, इधर का अपर एंड और इधर का लोअर एंड, ये बॉडी डायगनल, यानी आप जिस कमरे में बैठे हैं अपर साइड से लोअर साइड एक बॉडी डायगनल, टोटल कितने होंगे? 4 बॉडी डायगनल यहां पे प्रेजेंट होंगे। इस तरह से आप सभी को कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा, तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर यूनिट सेल को हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स कितने यूनिट सेल से कनेक्ट होगा। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि भाई यहां फेस सेंटर पे एक पार्टिकल है, फेस सेंटर पे, तो वो पार्टिकल सिर्फ इसी यूनिट सेल से ही नहीं, इसके साथ में जो यूनिट सेल कनेक्ट होगी उससे भी अटैच होगा। जो पार्टिकल यहां होगा वो साथ वाली यूनिट सेल से भी कनेक्ट होगा। तो एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल से कनेक्ट हो गया तो एक यूनिट सेल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। यानी आपके एक दीवार है, बीच में खिड़की बनी है, वो खिड़की आपके पास भी है, दूसरे के पास भी है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपके लिए कितना होगा? 1/2। इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन लर्न करने हैं। यहां मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बता देता हूं, कॉर्नर का होता है 1/8, यानी यहां जो भी पार्टिकल होगा वो 8 यूनिट सेल से
कनेक्ट होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, फेस का 1/2, एज का 1/4, बॉडी सेंटर 1, बॉडी डायगोनल 1, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको लर्न करने होंगे, आपको याद रखने होंगे। मुझे उम्मीद है कि क्या साइट है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छे से समझिए, जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझेंगे तो यही चीज आने वाले जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल रहेगी। जो टिपिकल प्रॉब्लम आती है इस टाइप की, वो भी तभी सॉल्व होंगी जब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब ध्यान रखिए, रैंक ऑफ द यूनिट सेल, शब्द आता है रैंक ऑफ द यूनिट सेल या यूनिट सेल कंटेंट, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। मैंने ये नहीं कहा कि यूनिट सेल में कहां कहां पार्टिकल हैं, मैंने ये कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, उसे यूनिट सेल कंटेंट कहते हैं। जैसे सपोज एक बाइक है, दो दोस्तों ने मिलकर परचेज की, तो एक बंदे के पास कितनी आई, वो 1/2, उस एक बाइक पे दोनों चल के जा रहे हैं, लेकिन एक इंसान के हिस्से कितनी आएगी, 1/2। तो एक यूनिट सेल में एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, उसे रैंक ऑफ द यूनिट सेल कहा जाता है। और रैंक को कैलकुलेट कैसे करते हैं, साइट ऑक्यूपाइड इनटू कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ साइट ऑक्यूपाइड इनटू कंट्रीब्यूशन, इस तरह से रैंक ऑफ द यूनिट सेल निकाला जाता है। जैसे सपोज आपसे कहा जाता है, पहली प्रॉब्लम दी कि एक यूनिट सेल है जहां पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, यानी एक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर ऑक्यूपाइड हैं और कोई जगह पे पार्टिकल नहीं है। हमें बताना है रैंक ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा। देखने में लगता है कि 8 एटम प्रेजेंट हैं, लेकिन एक पार्टिकल एक कॉर्नर पे 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, कि यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं सिर्फ कॉर्नर पे, तो साइट ऑक्यूपाइड कॉर्नर, और कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, कॉर्नर 8 होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1। यानी अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो वहां एक्चुअल में टोटल पार्टिकल प्रेजेंट होगा 1 और रैंक ऑफ द यूनिट सेल होगा 1। इस तरह की यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए रैंक याद रखेंगे 1 होगा। इसे हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट सेल कंटेंट जेड या रैंक ऑफ द यूनिट सेल कहा जाता है। अब हम कहते हैं कि पार्टिकल फेस सेंटर पे भी हैं और कॉर्नर्स पे भी हैं। कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं और उसके अलावा फेस सेंटर पे, देखिएगा एक ये हुआ फेस सेंटर, यहां पार्टिकल है, एक यहां है, ये ऊपर वाला फेस यहां है, नीचे वाला फेस यहां है, बैक साइड वाला फेस यहां पार्टिकल है, फ्रंट फेस यहां पार्टिकल है। तो पार्टिकल सभी कॉर्नर और फेस सेंटर पे हैं। अब हमें बताना है रैंक क्या होगा, यूनिट सेल कंटेंट क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या होगी। ऐसे यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से पहचाना जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हम क्या करेंगे, पहले कॉर्नर पे काउंट कीजिए, फिर फेस सेंटर पे काउंट कीजिए, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी पहले हम करेंगे कॉर्नर पे, फिर करेंगे हम फेस सेंटर के लिए कैलकुलेशन। कॉर्नर के लिए क्या होगा, साइट ऑक्यूपाइड, कितने कॉर्नर ऑक्यूपाइड हैं हमारे पास, सभी 8 होते हैं कॉर्नर। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/8, कितना आया सॉल्व करके 1। फेस सेंटर, सभी फेस सेंटर पे पार्टिकल हैं, टोटल कितने हैं 6, 6 फेस सेंटर हैं, साइट ऑक्यूपाइड 6, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2, 1/2 फेस सेंटर का सॉल्व करेंगे ये आएगा 3, 1+3 कितना हुआ 4। सो वी कैन से फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू रहेगी 4 और फेस सेंटर यूनिट सेल का रैंक रहेगा 4।
इस तरह से शुरुआती न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब सपोज आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक यूनिट सेल है जहां पार्टिकल ए सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, पार्टिकल ए सभी कॉर्नर्स पे है, पार्टिकल बी 1/3 ऑफ द फेस सेंटर को ऑक्यूपाई करते हैं। हमें बताना है रैंक ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा और फार्मूला क्या होगा। रैंक ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे, पहले ए देखेंगे कहां प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, बी कहां प्रेजेंट है, 1/3 ऑफ फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, ये इंफॉर्मेशन हम लिख लेंगे। और अब सभी कॉर्नर ऑक्यूपाइड हैं, ए सभी कॉर्नर्स पे, टोटल कॉर्नर 8 हुआ, कंट्रीब्यूशन 1/8 सॉल्व करके 1, ए हुआ 1, बी है 1/3 ऑफ द फेस सेंटर, टोटल फेस सेंटर होते हैं 6, 6 का 1/3 निकालेंगे कितना आएगा 2, यानी बी सिर्फ 2 प्लेसेस पे ही प्रेजेंट है, बाकी नहीं है, और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1, तो ए है 1, बी है 1, तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनाने के लिए a1 b1, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और न्यूमेरिकल में जो आप बच्चों को कई बार प्रॉब्लम महसूस होती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। एक और सवाल लेंगे हम यहां पर। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज लाइक दिस कि पार्टिकल x ऑक्यूपाई ऑल द कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर हैं, पार्टिकल y बॉडी सेंटर, पार्टिकल z 1/3 ऑफ द एज सेंटर। हमें बताना है इसके लिए रैंक क्या होगा और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें बताना होगा। नाउ x, x निकालेंगे, y निकालेंगे, z निकालेंगे, सभी कॉर्नर्स पे, कॉर्नर 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 कितना हुआ 1, सभी बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर 1, कॉन्ट्रीब्यूशन 1, ये भी 1, z 1/3 ऑफ द एज सेंटर, टोटल एज सेंटर 12, 1/3 का मतलब 4 हुआ, और कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, और इस तरीके से सॉल्व किया 1, तो रैंक कितना हो गया, 1+1+1 दैट इज 3, रैंक ऑफ द यूनिट सेल 3 रहेगा। और फिर बताएं फॉर्मूला क्या होगा, x1 y1 z1, तो फॉर्मूला xyz इस तरह से हमारे पास बनेगा। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसका जवाब हमें जानना था। अब मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूं और आप उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है कि पार्टिकल प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है सभी कॉर्नर्स के ऊपर और सभी बॉडी डायगोनल्स के ऊपर, कॉर्नर्स में है और बॉडी डायगोनल पे है, और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 पार्टिकल प्रेजेंट है, पार्टिकल कॉर्नर पे है और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 पार्टिकल हैं। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, रैंक ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा, एक तो ये बताना है। दूसरा, पार्टिकल प्रेजेंट है सभी कॉर्नर्स पे, एक यूनिट सेल है जहां पार्टिकल सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है और उसके अलावा फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, पार्टिकल 3 जगह पे प्रेजेंट है, एंड पार्टिकल्स अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल, ध्यान रखें अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल पार्टिकल्स को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। आपको बताना है अब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बचे, z की वैल्यू क्या हुई। ध्यान से यूनिट सेल सॉल्व करते वक्त एक कमरे को जरूर सोचना कि पार्टिकल कॉर्नर पे हैं, बॉडी सेंटर पे हैं, फेस सेंटर पे हैं, और हमने वहां से पार्टिकल्स को, वन ऑफ द बॉडी डायगोनल के पार्टिकल को हटा दिया। हमें बताना होगा z की वैल्यू क्या होगी, और z की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, अगर फ्रैक्शन में आती है तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे,
तब आप हमें हमारे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बताए गए इस मेथड को आपने बहुत अच्छे से इन डेप्थ रूप से एब्जॉर्ब किया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है जितने आप अपने ख्यालों में बना लेते हैं, बहुत आसान है, हो जाएंगे, लेकिन एक एक करके ट्राई करना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।